अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं मूंगी की दाल, धुली हुई मूंगी जो होती है उसकी दाल बना रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हमें मूंगी की दाल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, चलिए आपको बताती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो जिसमें मैंने ये 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज ले लिए हैं जो धो के अच्छे से काट के रख लिए हैं, और 3 अदद ये छोटे छोटे टमाटर हैं, और 6-7 सब्ज़ मिर्चें हैं, और एक एक टुकड़ा अदरक का था जो मैंने ब्रीक ब्रीक काट के रख लिया है, और ये कुछ जवे लहसुन के हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं और फिर साथ साथ आपको बताते हैं जी कैसे बनानी है। तो खुश्क दाल बनाएंगे हम, सूखी हुई जो होती है वो बना रहे हैं आज हम। तो चलें अपनी देचकी जो है वो चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। देचकी चढ़ा दी हमने चूल्हे पर और नीचे फ्लेम भी ऑन कर दिया है। तो अभी हम इसमें घी डाल रहे हैं। और इसी के साथ हम इसमें प्याज भी डाल देंगे। तो अब हम फ्राई करना शुरू करते हैं अपने प्याज को। जब तक हमारा ये प्याज इधर गोल्डन हो रहा है तब तक हम अपना अदरक लहसुन का पेस्ट है जो सब्ज़ मिर्चों का वो डाल ब्लेंड कर लेते हैं। लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें डाल के ब्लेंड कर लिए हैं। तो अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं इसे। तो दाल सादा मैंने धो के सिंपल अभी धो के रखी है, बस ज़्यादा देर नहीं भी होना इसे क्योंकि ये बड़ी जल्दी हो जाती है, ये वाली दाल दम पे ही हो जाती है, ये गल जाती है जल्दी। तो अगर हम ज़्यादा देर भी धो के रखेंगे तो ये गल जाएगी, इसीलिए हम इसे अभी धो के अभी मैंने भिगो के रखा है। आप ये देख सकते हैं, आप मैंने अभी धो के इसे भिगो के रखा। शिफा बतूल कपड़े पहन के आया है अभी, इसकी फूफो ने तैयार किया है शिफा को। ओए शिफा आया है, कितना प्यारा है मम्मा की। ओए हाँ जी, हाँ जी बच्ची तस्वीर बना दी, कहते मम्मा जी तस्वीर बना लो। ये देखे शिफा बतूल तैयार हो गया है, वो जा रहा है पीछे, भाई जा रहा है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इतना अच्छा बोलती है ना शिफा बतूल। फिर आ गए, ओए मेरा शिफा बतूल आ गया, अल्लाह हाफिज। ये हमारा जो मसाला है ये अच्छे से फ्राई हो गया, फिर आ गए हो। अच्छा अच्छा मम्मा दिखाती है आपको, ये देखो शिफा बतूल आ गई, फिर से आ गया शिफा, कितना प्यारा लग रहा है, अल्लाह हाफिज। तो अभी हम हल्का सा पानी लगा देते हैं ताकि ये जो हमारा मसाला है ये जले नहीं। तो अभी जो हमने टमाटर काट के रखे हुए हैं वो डाल देते हैं इसमें, साथ साथ जो बाकी स्पाइसेस है वो भी डाल रहे हैं और आपको दिखाते हैं। ये टमाटर डाल रहे हैं, बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर देते हैं इसमें। पीसी हुई लाल मिर्चें हसबे जायका अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप, कम ज़्यादा जितनी भी खाते हैं।
हाफ टी स्पून हल्दी डाल रही हूँ। नमक हसबे जायका, तो अच्छे से फ्राई कर लेते हैं अपने मसाले को। ये देखिए जी माशाल्लाह से हरा जी मसाला ये फ्राई हो गया है, भुन गया अच्छे से। तो हम इसमें दाल ऐड कर देते हैं, दाल का पानी जो है वो अच्छे से निकाल लेना। ये देखिए जी मैंने पानी निकाल लिया है और थोड़ी देर के लिए मसाले के साथ भुनेंगे दाल को। आंच कम कर देते हैं थोड़ी सी ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। दाल को मैंने अच्छे से धो लिया था। थोड़ी देर भुनेंगे मसाले के साथ अपनी दाल को। ये 3 अदद सब्ज मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं, तो इसमें मैंने छोटे छोटे टक जो है वो लगा लिए हैं। ये देखिए आप, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं ऐसे साबुत ही। ये 1 टीस्पून हम मिक्स गरम मसाला डाल रहे हैं इसमें। ये हमारी दाल जो है जैसे तो भुन गई है, अब हाफ कप पानी लगा के इसे दम पे रख देंगे हम। ज़्यादा पानी नहीं लगाना वरना ये घुल जाएगी, तो बस हमें इतना सा ही पानी चाहिए। ये जल्दी गल जाती है इसलिए इतना सा ही पानी चाहिए। तो आंच को कम कर देते हैं, तो दम पे रख देते हैं, ये दम पे ही गलेगी माशाल्लाह से। तो चलें तैयार होती है तो फिर आपको दिखाते हैं। इसे कवर कर देते हैं। तो आंच को कम कर देते हैं, तो दाल को पड़ी रहने देते हैं दम पे। तो चलिए ये तैयार होती है तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, हम चेक कर रहे हैं अपनी दाल। मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। ये तब से हल्की आंच पर पड़ी हुई है। ज़्यादा चम्मच नहीं मारना वरना ये घुल जाएगी, तो वक्त वक्त पर सिर्फ हमें चेक करना है कि ये नीचे तो नहीं लग रही। तो बस देख लें अभी पानी है इसमें हल्का हल्का, ये दम पर पड़ी हुई है तब से। तो माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसकी, चेक कर लेते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारी दाल जो है ये गल गई है, बिल्कुल परफेक्ट गली है। तो बस थोड़ी देर हम इसे और पड़ी रहने देंगे दम पे। तो इसमें सब्ज़ धनिया डाल देते हैं, हरा धनिया काट के, तो फिर आपको दिखाते हैं गार्निशिंग करके। चलें धनिया काट लेते हैं और तो भी इसमें डालते हैं। हमारी दाल जो है वो तैयार है, मैं यही चेक कर रही थी। तो अभी तेज़ आंच पे से हल्का हल्का भून लेते हैं दाल को, तो फिर आपको प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। देखिए जी गल चुकी है बिल्कुल हमारी दाल जो है, ये गल गई है अल्लाह से, ये बड़ी प्यारी बनी है। तो अभी हम इसमें धनिया डाल देते हैं, सब्ज धनिया, हरा धनिया जो हमने काट के रखा था वो। चलें जी
तेज़ आंच पे हल्का सा भूनेंगे इसे, ताकि जो हल्का हल्का जो पानी है ये भी खुशक हो जाए। माशाल्लाह से ये बड़ी प्यारी दाल बनी है हमारी। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सा ये जो हमने मूंगी की दाल बनाई थी, सालन जो है वो तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें भी दुआओं में याद रखें। तो आज की वीडियो यहीं पे करते हैं जी ख़त्म, इसी दुआ के साथ कि अपने घरों में खुश रहें, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, और हमें भी दुआओं में याद रखें। और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।